हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और आज दिन है बुधवार। अगले दिन गुरुवार होगा और उस दिन वट सावित्री व्रत होगा। तो आज मुझे बहुत काम करना है, इसलिए मैं बहुत ही सवेरे उठी हुई हूँ। तो अभी मैं दिखा रही हूँ, रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बिल्कुल इतनी बारिश हुई थी। मैं सोच रही थी आज मैं साड़ी पहनूंगी तो गर्मी लगेगी दिन भर, लेकिन इतना ठंडा मौसम किया था कि मैंने दिन भर साड़ी पहन लिया था। और ये देखिए कितनी बारिश हुई है, थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगी आपको। ये सामने में देखिए पेड़ में कितना अच्छा पूरे पेड़ में आम आया हुआ है। पहले जब मैं आपको इधर का सीन दिखाती थी तो केला का पेड़ आपको दिखता होगा, वो कट गया है। और अभी ये जो छत दिख रहा है आपको, इसी छत पर हम लोग पूजा करने वाले हैं कल। और अभी इधर किसी मकान वगैरह बन रहा है तो नीचे में थोड़ा गंदा वगैरह रहता है। तो चलिए अब लगेंगे आज के काम में। आप लोग देख रहे हैं एचीवमेंट इन ऑल और मैं हूं आपके साथ नम्रता। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो काम की शुरुआत होती है यहाँ से। यहाँ जो कुछ भी कपड़ा बचा हुआ था मशीन के ऊपर, रात वगैरह में जो नहाए थे कपड़ा जो था, उस सबको मैंने मशीन में डाल दिया है। और ब्रश वगैरह सब हो गया है, ये भी उठ गए हैं क्योंकि इनको 7 बजे निकलना है। तो मैं आ गई हूँ किचन, बनाना है अभी सब्जी। बोड़ा, टमाटर और आलू बॉयल होने मैं दे दूँगी, मुझे तो आज खाना नहीं है, मेरा व्रत है। इनको टिफ़िन देना है। और ये देखिए जिस तरह मैंने रात में खाना बनाकर बर्तन धोकर उल्टाया था उसी तरह है, क्योंकि दिन भर ब्लाउज सीकर उठने के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सारे बर्तन को मैं अरेंज करूँ, तो उसी तरह मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मैं आलू को बॉयल होने चढ़ा दिया है, मैंने चढ़ा दिया है। और बीन्स टमाटर वगैरह मैं काट लूँगी, आटा मिला लूँगी क्योंकि उनको टिफ़िन पैक करना है, वो दही चूड़ा खा कर चले जाएँगे। और टिफ़िन पैक करके मैं दे दूँगी। अभी यहाँ पर आलू का कुकर खुला नहीं है और अब मैं आटा मिला लेती हूँ और कुछ बर्तन मैं अरेंज कर रही हूँ। कुछ रखा है क्योंकि जब तक सब्जी नमक हल्दी का काम शुरू होगा उसके पहले मुझे सारा बर्तन रखना है, क्योंकि फिर मुझे बार बार बर्तन धोना पड़ेगा। आज व्रत का है और थोड़ा आप अंधेरा देख रहे थे, अभी भी बाहर बिल्कुल अंधेरा टाइप का किया है तो मैंने लाइट जला ली है। और ये बिल्कुल मैं आपको मॉर्निंग का दिखा रही हूँ, आज बुधवार है और मैंने अभी मेहंदी भी नहीं लगाई है। बस अब इनका मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है, इनकी गाड़ी इनको लेने आ गई है तो ये अब निकलेंगे। इधर पीछे गाड़ी लगी हुई है, ये इनको मैं बिल्कुल आराम से भेज दूंगी। और बाबू भी जग गया था क्योंकि ये जिस दिन भी मॉर्निंग जाते हैं तो इनके साथ ही ये जग जाता है, इसके मन में होने लगता है कि ये चले जाएंगे तो ये पहले ही साथ ही जग जाता है। पानी सड़क पे जाम हो गया है, आप समझ सकते हैं। इस रोड नंबर पर ही सुशांत सिंह अभिनेता का घर है, लेकिन है स्थिति बिहार के भी यही इसी तरह की। और यहाँ देखेंगे जो रोटी बचा मैंने इस वाले में रख दिया है, ग्रीन वाले में, जो बड़ा वाला है, क्योंकि 3-4 रोटियाँ बची है जो कि दिन भर में बाबू को खिलाना है। और थोड़ा सब्जी भी बचा है, एक बार मैं इस सब्ज़ी को गर्म कर लूँगी क्योंकि अगर ये 3-4 बजे तक आ जाएंगे तो एक बार मैं मूढ़ी वगैरह, चना काउकड़ी वगैरह मिलाकर इनको नाश्ता दे दूँगी। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बना था। इस दोनों को आज मैं ऊपर नहीं रखने वाली हूँ, नीचे ही रखूँगी क्योंकि मैं ऊपर बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। और अभी 7:15 बज गया है तो अब यहाँ पर देखिएगा मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, बस रात का दूध बचा है। और सारा चीज़ एक एक चीज़ मैंने अच्छे से धो लिया है, ऊपर भी और नीचे भी। और ये सब करते करते 9 से ज़्यादा समय लग गया था मुझे। और ये सुबह जो मॉर्निंग शिफ्ट तो था, लेकिन फिर भी सुबह सुबह दुकानें खुल जाती है तो ये कुछ सामान सुबह लेकर आए थे, कुछ फल वगैरह है, ये पंखा है। और चूंकि कल आपने देखा था कल का वीडियो, मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई थी, ये फलाहार के लिए रसगुल्ला पेड़ा वगैरह लाए हैं तो मैं मेहंदी नहीं लगवा पाई थी, इसीलिए मैंने इमरजेंसी में 2 मेहंदी मंगा लिया है। अगर मान लीजिए नहीं लगाने वाला आज भी मिले, चूँकि आज 9 जून है तो 5 बजे तक खुला रहेगा, अब ये देखते हैं कब आते हैं कब नहीं। नहीं अगर लगाने वाला हो तो मैं किसी तरह लगा लूँगी खुद, इसलिए मैंने 2 गुप्पी मंगवा लिया है, 2 गुप्पी मेहंदी का। और अब मैं जाऊँगी नहाने, नहा कर आती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नहाने के लिए जाते जाते 10:30 बज गया था क्योंकि मैंने नीचे पूरा साफ़ किया था। तो ये देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ और ये सारा सामान मैंने निकाल कर रख लिया है ताकि मुझे याद रहे, मैं कुछ भूलूँ नहीं। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में रहिएगा, कुछ करने भी लगेगा, फिर आपको लगेगा ये कहाँ है वो कहाँ है, उसमें भी समय जाता है। तो ये सब ट्रिक जो है बहुत काम में आने वाला होता है। और यहाँ पर मैंने सारा फल धो लिया है, मैंने थोड़ा थोड़ा ही फल मंगाया है क्योंकि ये निकल जाएंगे घर कल रात में और फिर मेरा अगले दिन शुक्रवार हो जाएगा, कोई खट्टा फल मैं खाऊंगी नहीं, आम लीची, इसीलिए मैंने कम कम मंगाया है। और नीचे भी मैंने पूरा धो लिया है जिस तरह का
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल और मैं हूं आपके साथ नम्रता। अभी लगभग 11:55 हो रहा है और अभी मैं जो आपसे बात कर रही हूं, अभी मैं सोफा पर बैठी हूं। आप समझिए, सुबह से मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाया, उठी जो कपड़ा धुलने से शुरू किया और अभी इस तरह से मैं कम्प्लीटली बैठी हूँ। और जब बाबू का ऑनलाइन क्लास हो रहा था 10 बजे से, उस समय मैंने जितना भी ड्राई फ्रूट्स था तो उन सबको मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं जाऊंगी और पहले तो रसगुल्ला या पेड़ा कुछ भी खा लूंगी, क्योंकि अभी कुछ भी मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी फ्राई कर नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि जब तक मैं वो बना नहीं लूँगी पकवान तब तक मुझे लगेगा अभी और भी काम है। तो और वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है। हालांकि हम लोग में जो बट सावित्री व्रत होता है उसमें महत्वपूर्ण है चना का, जिसको हम लोग ओकरी कहते हैं, भिंगोया हुआ चना, और बेसनौटी होता है, यानी कि 14 पूड़ी बनाकर पूड़ी पर पूड़ी रख के और बेसन उसमें डालकर भर के उससे जो बेसनौटी बनता है वही हम लोगों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इतना जब होता है तो ठेकुआ पिरकिया भी बनाया जाता है। कहने का मतलब एक ठेकुआ पिरकिया भी आप बनाइए, हम लोग ठेकुआ पिरकिया ही कहते हैं, लोग तो खबौनी गुजिया ये सब कहते हैं लेकिन हम लोग के इधर यही चलता है। तो ये भी आप बनाइए, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं, बनाने में सक्षम नहीं है, समय नहीं है, कोई परेशानी है, तो फिर आप सिर्फ बेसनौटी बना लीजिए। तो महत्वपूर्ण बेसनौटी का होता है और वो साथ बनाया जाता है। तो अभी मैं सबसे पहले जाऊंगी भगवान को भोग लगाकर मैं खा लूंगी। बाबू को भी नला सुना दिया, रेडी कर दिया, उसको भी खिला दिया। अब वो भी 1 घंटा और उम्मीद करती हूँ 2 बजे तक मैं सारा चीज़ बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी। और 2 बजे तक बनने के बाद मेहंदी का टेंशन है, ये बोले हैं कि मैं 4-5 बजे तक आके एक बार फिर मौर्य कम्प्लेक्स में देखूंगा, अगर लगाता होगा तो मैं ले जाकर लगवा दूंगा, तुम परेशान मत होना। लेकिन आपने देखा मैंने फिर भी मंगवा लिया है 2 पीस, ताकि अगर नहीं कोई लगाने वाला हो तो किसी भी तरह लगाना है ये बना के मैं पकवान। फिर जो कल पहनना वगैरह है, क्योंकि थोड़ा तैयार होना होता है क्या पहनना है, साड़ी का तो डन हो गया है, लेकिन उसके अनुसार उसका मैचिंग जो भी है, लहठी चूड़ी या मेकअप का सामान, वो सब मैं एक जगह रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं मेहंदी का सोचूंगी। रात का खाना भी बनाना है, देखते हूँ क्या बना पाती हूँ। और कल बिल्कुल सुबह काटा था ब्लाउज, आप लोगों ने देखा, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लास हुआ। ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद खाना पीना ये वो, तो ब्लाउज तो लगभग मैंने ये दिया है, पीछे में सर्किल दिया हुआ है, इसको मैं हटा के दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए ये सर्किल दिया है और ऊपर से फिर इस तरह से दिया हुआ है। इसमें मैं और भी मतलब कि कुछ डिज़ाइन डालने वाली हूँ, लेकिन देखती हूँ अगर आज मुझे समय मिल गया तो आज डालूँगी, नहीं तो इतना तो मैंने तैयार कर दिया है कि मैं इसको कल पहन के पूजा कर लूँगी, उसके बाद इसको सजाते रहूँगी, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये दिया है मैंने, लेंथ दिया है 11 इंच का और इसको मैंने पहन कर देखा और इतना जल्दी जल्दी में मैंने इसको, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, सिंगल स्टिच दिया हुआ है फटाफट से, और पहन के देखा तो एक बार में परफेक्ट आ गया। तो एक बार में अगर आ जाता है तो मन और भी खुश हो जाता है। चलिए अब किचन चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये निकाल लेती हूँ, भगवान जी के आगे रख देती हूँ। अब ये इसका कहना है, मेरा भी आज व्रत है, मैंने भी बट सावित्री व्रत करना है कल, तो मुझे भी फलाहार दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब जाती हूँ भगवान के आगे रख कर। यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर बना लिया है, जो कि मैं खोए में डालूंगी। और यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ऑनलाइन क्लास के दौरान जो क्रश किया था, इसको थोड़ा रोस्ट करना है। और मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया है यहाँ पर, जो कि मैं ठेकुआ में डालूंगी। और ये गुड़ को क्रश कर लिया है, थोड़ा सा ठेकुआ में भी डालूंगी। और ये जो बेसन आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण यही है, बेसन का बेसनौटी बनता है। और ये रहा आपका खोआ, इधर भी मैंने ये कढ़ाई निकाल लिया है, इस कढ़ाई पर सब कुछ रोस्ट कर लूँगी और उधर छोटे वाले कढ़ाई में मैं सारे चीज़ को बनाकर फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं नारियल हल्का भूरा होने तक फ्राई करूँगी, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँगी। चूँकि मैं बता नहीं रही हूँ कैसे बनाना है, बस मैं दिखा रही हूँ तारतम्यता से, मुझे ये सब शेयर करना अच्छा लगता है। और यकीन करिए, इतना टेस्टी और इतना क्रंची बना था, मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं इतना मीठा, लेकिन वो भी खाए थे। और हाँ, लास्ट तक इसलिए देखिएगा कि बनाने में जितना आप मेहनत करते हैं कि ये बिल्कुल ये बने, खास्ता बने, तो रखने में भी आपको उतना ही केयर करना पड़ता है कि आप किस तरह से रख रहे हैं, क्योंकि रखने के दौरान भी अगर वो सेम जाएगा तो फिर आपका वो सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं वो पिरकिया के आटा को मिला रही हूँ, तो दूध में मैंने मिलाया है, पहले मैंने घी डाला और घी डालकर उसको बिल्कुल अच्छे से मिलाया, उसके बाद दूध डालकर मिलाकर रख दूंगी मैं। पहला यही काम है, क्योंकि ये जितना देर फूलेगा, कम से कम इसको 15 मिनट तक आपको
मिलाकर फूलने के लिए छोड़ देना। और यहाँ इस तरह से मैं हाथ से तोड़ तोड़ कर इसको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लिया और इसको मैं ढक कर रख दूँगी। ये मिलाने के बाद ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप काटिए तो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूँकि मुझे ऑनलाइन क्लास भी कराना था तो मैंने उसी दौरान काट लिया था। अब उसको मैंने ढक कर रख दिया। अब यहाँ पर मैं ठेकुआ का आटा निकाल रही हूँ, तो ये मैदा सूजी इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इसमें अभी घी वगैरह डालकर नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी बस मैदा सूजी इसमें निकाल कर रख दिया कि मेरा माइंड मेकअप रहे, क्योंकि ये मिलाऊँगी मैं जब पिरकिया तलने लगूँगी। उस दौरान मैं बिल्कुल इस तरह बाँट बाँट कर काम करती हूँ कि कम समय में इतना मतलब तेज़ी से मैंने किया, फिर भी कितना समय लगा मैं आपको आगे बताऊँगी। इसको मैंने निकाल के रख लिया। उधर मैं एक एक करके ड्राई फ्रूट्स भी मेरा हो गया। ये अभी दूध आया था तो मैंने आज 1.5 किलो दूध कहा था, क्योंकि सुबह ये 1 किलो ले आए थे दूध। और उधर बाबू अपना कभी गेम देख रहा है, कभी बैठता है, कभी खेलता है, वो भी अकेला पक रहा है, उसको मैं समय नहीं दे रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। किचन आने से मैंने उसको मना किया है तो किचन नहीं आ रहा है। तो सब कुछ मैंने थोड़ा सा सूजी भी डालूंगी खोए में तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो सूजी और नारियल वगैरह ड्राई फ्रूट सब कुछ मैंने उसको फ्राई कर लिया हल्के आँच पर। और अब यहाँ पर मैं खोआ मिला लूँगी, इसमें मैं सारा ड्राई फ्रूट्स गैस को बंद करके सारा ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। थोड़ा सा बेसन के लिए मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे जो बेसन रोटी बनाना है। और ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद वो जो मैंने चीनी को पीसा था उसको डाल लूँगी और मिलाकर इसको सबको एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। क्योंकि आप लगातार अगर मेरे ब्लॉग को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना आराम से काम करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे ही ये सब करना है, लेकिन मैं हड़बड़ाती नहीं हूँ, बहुत निश्चिंत होकर के। अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी। देखिए आज व्रत है, आज थोड़ा तैयार भी होना है, काम के चक्कर में ऐसा नहीं है जैसे तैसे हो जाएंगे हम लोग, जैसे तैसे रह जाएंगे। भाई व्रत है, थोड़ा बढ़िया से तैयार यार। मैचिंग मैंने ये लहठी भी पहना है। साड़ी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अब मैं बेसन में सब कुछ मिला रही हूँ, इलायची पाउडर, शुद्ध घी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसको एक प्लेट में रख लूँगी। एक प्लेट में मैंने खोआ निकाल लिया है। एक कटोरे में मैं पानी ले लूँगी, एक कटोरे में सूखा मैदा ले लूँगी और चकला, बेलन सब कुछ लेकर अब मैं सीधा हॉल में चली जाऊंगी, क्योंकि पंखा में बैठकर गर्मी अब लगने लगी है तो पंखा में बैठकर मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा लगभग सब बन गया है। ये लास्ट पूड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा बेटा आज सोया नहीं, मेरे साथ बना रहा, मेरे से बात करता रहा। और यहाँ पर मैं आखिरी बना रही हूँ, तो बेसनोटी भी बन गया, खोआ वाला पिरकिया भी बन गया, और जितना मैदा था जितना खोआ था, यानी कि आधा किलो मैदा में आधा किलो खोआ लग गया लगभग। थोड़ा सा बचा तो ये जो बचा उसको मैंने रखा नहीं, जब ठेकुआ बनाने लगी थी उसमें मैंने डाल दिया था, उससे भी ठेकुआ काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आप समझ सकते हैं ये काम कंप्लीट करते करते मेरा यहीं पर 2 बज गया था। मैंने सोचा था 2 बजे तक मेरा पूरा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं सबको एक एक करके प्लेट में उठा लूँगी और सीधा चलूँगी किचन। और हालत ख़राब हो गई थी, बीच में मैंने 1 गिलास शरबत पिया था बनाकर नींबू डालकर, जिससे कि थोड़ा राहत मिले। लेकिन चूंकि मैं सारा काम बिल्कुल लाइन से करती हूँ, समेट कर करती हूँ, और करना मुझे ही है, मैं हड़बड़ाती नहीं हूँ। समय के साथ मैंने कर ही लिया था। अभी मुझे कल का सारा सामान निकालना है, अभी बहुत कुछ है जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं चली तलने के लिए। और यहाँ पर मैं शुद्ध घी फाड़ कर उसमें डाल दूँगी, एक साथ ही डाल दूँगी, जिससे कि कढ़ाई छोटा रखी। और अगर आप घी, तेल कुछ भी डालते हैं, अधिक डालते हैं, तो आपका पकना बहुत आसान हो जाता है। आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है, जब ठेकुआ बनाते बनाते लास्ट आ जाता है तो मन में होता है अच्छा चलो 2 ही बचाए, 3 ही बचाए, चलो इतना ही घी में निकाल लेते हैं, तो क्या होता है उस तरह में आपका ज़्यादा समय लगने लगता है। मैंने ये कई बार करके देखा है, इसीलिए लास्ट में मैं और भी ज़्यादा डालकर निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पर मैंने सर पे पल्लू ले लिया है। मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ, मुझे ही अजीब लग रहा है क्योंकि मैं ससुराल में लेती हूँ, यहाँ तो साड़ी ही नहीं पहनती हूँ, तो क्या लूँगी सर पे। लेकिन कहा जाता है कि जब आप कुछ कोई चीज़ तलिए तो सर पे पल्लू लेके। और यहाँ पर मैं देखिए, मैंने जैसा कहा था कि अब यहाँ पर मैं ठेकुआ का आटा मैंने मिलाना शुरू कर दिया, इसको भी मैं दूध में ही मिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया घी और इसको मैं बहुत देर तक मिलाऊँगी। 4-5 चम्मच मैंने घी डाल दिया, जिससे कि ये बिल्कुल खास्ता बनता है, और इसको बहुत देर तक मैं मिलाऊंगी। तो ये 9 जून का यानी बरसात के 1 दिन पहले का ये सारा रूटीन है। आप लोग भी ज़रूर ऐसा ही करते होंगे। मैं तो लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 1 दिन मार्केट जाना, 1 दिन फॉल लगाना, 1 दिन पेटीकोट सिलना, 1 दिन ब्लाउज सिलना, क्योंकि एक काम नहीं होता है। बच्चे का ऑनलाइन क्लास भी आपको कराना है, खाना भी बनाना है, टिफ़िन भी बनाना है, घर द्वार भी ठीक करना है।
अपना भी ठीक रहना है, आप समझ सकते हैं। और आप लोग इंजॉय करते ही होंगे, जो पुराने हैं उनको तो मज़ा आता ही होगा, जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट पिरकिया और एक प्लेट बिस्नोटी तल लिया है, बिस्नोटी तो बस साथ ही बनाना था। और अब इतना करते करते यानी कि तलते तलते और ये ठेकुआ वगैरह बनाते बनाते मैं बताऊंगी आपको कितना समय लग गया था। और लास्ट होने के बाद यहाँ पर देखिएगा ठेकुआ का जब आटा मैंने पूरा बना दिया, पूरा मिला लिया सॉरी, ये देखिए इतना पिरकिया तलने तलते रही और उतना देर तक मैं मिलाते रही। ये मिलाना ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ठेकुआ बनाने में, तभी आपका बिल्कुल खास्ता बनेगा। और उतना देर तक मैंने मिलाया और चीनी डालकर दूध से मैं इसको मिला रही हूँ। और यहाँ पर मेरा सारा पिरकिया बन गया है और अब यहाँ पर मैं ठेकुआ बना रही हूँ। और ठेकुआ बनाने का ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, बेलन का मैं यूज नहीं करती हूँ, चकला पर मैं वो सांचा रखकर ऊपर से दबा देती हूँ। और एक साथ ठेकुआ का सारा आटा मिलाकर नहीं रखना है, क्योंकि चूँकि इसको धीमी आंच में पकाना है, तो ये जब तक पकेगा तब तक आप दूसरा तीसरा काम भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ये पेपर में पूरा पिरकिया रख कर और उसको एक पन्नी में बांध दिया, इससे ये खास इसमें जो खास्तापन है ये बना रहेगा, बिल्कुल इसी तरह रहेगा। अगर आप खुले में छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाता है, इस तरह से खाने में आपको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर इतना ठेकुआ भी मैंने बना लिया है, आपने देखा एक प्लेट ठेकुआ भी बना लिया। ये सब बनाने में 4-5 घंटा लगा, लेकिन मैं आपको बस 15-20 मिनट में दिखा रही हूँ। और उधर एक दो ठेकुआ रह गया कढ़ाई में। अब यहाँ मुझे याद आया कि मैंने जो सुबह ड्राई किया था कपड़ा, अभी तक मैंने नहीं निकाला था, तो ये ड्राई किया हुआ कपड़ा मैं निकाल लूँगी। और भी जो दिन का अभी नहाने का कपड़ा था वो सब मैं मशीन में डाल लूँगी। और चूँकि हॉल में मैंने बनाया उनाया है तो गंदा हो गया है नीचे। और लगभग 3:30 बजे 2-3 ठेकुआ डालकर कढ़ाई में तब मैंने बाबू को सुलाया, क्योंकि उसको सुलाना बहुत ज़रूरी था। उसको सुलाने के बाद मशीन में मैंने कपड़ा डाल दिया। एक बार मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि अभी इनके आने का समय हो गया है, ये भी आएंगे तो इनको क्या पता कितना औरत घर में मेहनत करती है, इनको लगेगा पूरा घर गंदा ही रखी है। तो सुबह मैंने पोछा वगैरह किया था, तो ये पोछा मैंने सूखने दे दिया है और सब कपड़ा भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मेरा फाइनली सारा चीज़ तला गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ठेकुआ रखने के लिए पहले डब्बे में पेपर, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना होता है, तो पेपर मैंने रख दिया। और ये ठंडा हो गया है अच्छे तरीके से ठेकुआ, अब इसमें मैं सारा ठेकुआ रख दूँगी और पेपर को फिर बंद करके रख दूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर में पिरकिया रखूँगी, क्योंकि पिरकिया हल्का होता है और ये ऊपर ठेकुआ रखते तो वो टूट जाता, तो इसको पहले बंद कर लूँगी इस पेपर को, ठेकुआ वाले पेपर को, उसके बाद मैं ऊपर में पिरकिया का रख के अच्छे से ढक्कन लगा के रख दूंगी। तो डियर, शुरू से आप लोग देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है। मैंने 12 बजे पक्का शुरू कर दिया था बनाना और मुझे लगा था कि 2 बजे तक हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी पसीना से पूरा हालत ख़राब है, 2 बजे तक नहीं हुआ। 1 घंटा तो वो पूरा सब कुछ फ्राई करने में ही लग गया, बेसन सूजी ड्राई फ्रूट्स जितना था 1 घंटा उसमें लगा। उसके बाद आधा आटा वो मैदा वगैरह मिलाकर रखा था तो वो सब मिलाकर 1 घंटा लगा। 1 बजे से पक्का मैं बैठ गई पूड़ी बनाने और पिरकिया बेसनोटी बनाने के लिए। तो आधा केजी मैदा का मैंने पिरकिया बनाया, तो उसमें 24-7 इधर 14 वो बेसनोटी में 14 पूड़ी लग गया और इधर बना था मेरा 24, तो 14-24 कितना 38-40 पिरकिया का पूड़ी बना और वही 20-25 ठेकुआ बना आधा किलो मैदा का। और पूरा का पूरा 4 घंटा लगा उसको बनाकर पैक करने में। ठेकुआ तो लास्ट में स्लो धीमी आंच पर ही करना था, उसके अलावा आपने देखा मैंने झाड़ू दिया, सारा कपड़ा डाला। अब पक्का 4 बज रहा है, वो 5 बजे आएंगे तो फिर बोले हैं कि मेहंदी लगवाने जाना है। तो आज तो इस तरह से दिन निकला, ब्लाउज में मैं कुछ नहीं कर पाई। तो चलिए डियर, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगले ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं कल के पूजा से तो दिखाऊंगी ही, अगर मेहंदी लगाने गई तो यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो चलिए डियर, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपने पसंद किया और किया ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो चलिए डियर, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 डियर, लव यू ऑल, आप सबको हैप्पी बर्थ सावित्री व्रत जो करते हैं।